गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर मधुर थवानी है, मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। आज हम लोग बात करेंगे कोविड की वजह से स्ट्रोक आना क्या हो रहा है, जिनको अंडरलाइन कॉजेज जैसे हाइपरटेंशन या डायबिटीज नहीं है उसमें भी स्ट्रोक आ रहा है, विच इज एज यंग एज 45 ईयर ओल्ड। सो इसमें सिम्टम्स क्या है, जैसे फेस पे वीकनेस आना, स्लर्ड स्पीच हो जाना, आर्म में वीकनेस आना। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको पेशेंट को उसी टाइम हॉस्पिटल लेके जाना है, ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना है। क्या हो रहा है कि दोनों तरीके के स्ट्रोक्स देखने मिलते हैं, एक है हेमरेजिक जिसमें ब्लीडिंग होती है ब्रेन में, दूसरा होता है इश्चेमिक जिसमें क्लॉट ब्रेन में अटक जाता है। दोनों में सिम्टम सेम है, सो आप प्लीज ट्राई कीजिए कि आप पेशेंट को जितना जल्दी लेके जाएंगे उतना जल्दी रिहैब स्टार्ट होगा, डिसेबिलिटी कम हो जाएगी। एज अ फिजियोथेरेपिस्ट रिहैबिलिटेशन का बहुत बड़ा रोल होता है स्ट्रोक में। हम लोग देख रहे हैं कि पेशेंट्स जो लोग ट्रीटमेंट जल्दी स्टार्ट करते हैं उनमें डिसेबिलिटी कम हो जाती है। सो आप ट्राई कीजिए कि पेशेंट को जल्द से जल्द ले जाएं। हमारा डेटा ये बोलता है कि एवरी 1 सेकंड वेस्टेड कैन लीड टू अ डैमेज ऑफ अराउंड 30,000 सेल्स इन द ब्रेन। सो प्लीज टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।